डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप बेस्ड ईमेल के लिए होता है। यानी आप एक ग्रुप बना देते हैं, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप मैंने बनाया जिसका नाम है support@corbett.com और उस ग्रुप में 10 यूजर्स। अब क्या होगा, जो भी मेल आप करेंगे ना support@corbett.com वो उन 10 यूजर्स को डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, ये कंपनीज में इफेक्टिवली यूज होता है। उसकी वजह ये कंपनीज में ये होते हैं ना, आपके स्टाफ का ग्रुप एक चाहिए होता है, एक मेल है जो मार्केटिंग के तमाम इंप्लॉइज को करनी है, तो marketing@corbett.com ये ईमेल एड्रेस हो गया और मार्केटिंग के नाम से ग्रुप आपने बनाया हुआ है जिसके अंदर तमाम यूजर्स हैं। अब इशू ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है उनमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक तो होते हैं जिनकी मेंबरशिप स्टैटिक है, पहले वो देखिए, उसके बाद हम देखते हैं वो ग्रुप जिनकी मेंबरशिप डायनेमिक है। ये मैंने कहा न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, कहाँ आया हूँ मैं देख लें क्या लिखा है, और मैंने कहा न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, ये लिखा है न्यू ग्रुप, नेक्स्ट किया। और अगर आप करते हैं एग्जिस्टिंग ग्रुप तो याद रखिएगा वो ग्रुप यूनिवर्सल। ठीक है, ये ना हो आप एडीएस में ग्रुप बनाए और फिर यहाँ आए आपको वो ग्रुप मिले ही ना। याद है जब हमने एडीएस में यूजर्स एंड ग्रुप पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप की टाइप अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन रखें तो वो सिर्फ मेलिंग के लिए यूज होगा, उसमें परमिशन नहीं दे सकते। तो उस वक्त हमारे पास एक्सचेंज सर्वर नहीं था, आज है। मैं यहाँ से ग्रुप बनाता हूँ, उस ग्रुप का मैं नाम रखता हूँ टेस्टिंग वन, टाइप क्या रखता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन मैंने इसको ग्लोबल, ये एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है टेस्टिंग और टाइप है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप ग्लोबल। एक और ग्रुप मैं बना रहा हूँ अभी डिस्प्ले भी हो जाता है, टेस्टिंग टू, और इसको मैंने किया है टाइप डिस्ट्रीब्यूशन और स्कोप यूनिवर्सल। इससे आगे हम डिस्प्ले आ जाए, एक टाइप ग्लोबल है और एक यूनिवर्सल है, टेस्टिंग वन ग्लोबल है। और अब आप यहाँ पे देखें ये डिफरेंस आपको क्लियर है, मैंने न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप किया और मैं अगर इसे एग्जिस्टिंग कहता हूँ, ब्राउज करता हूँ तो टेस्टिंग टू यहाँ पे है, टेस्टिंग वन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ग्रुप हैज टू बी विद यूनिवर्सल स्कोप। अगर ग्रुप का स्कोप कुछ और आपने रखा है तो वो टाइप आप चाहे सिक्योरिटी रखते हैं, याद रखिए सिक्योरिटी ग्रुप भी एक्सचेंज में यूज हो सकता है, टाइप में कोई इशू नहीं। अच्छा यही है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन टाइप रखें, क्योंकि अगर ग्रुप सिर्फ मेलिंग के लिए यूज हो रहा है तो उसको परमिशन के लिए यूज नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि अभी मैं परमिशन दूँ तो उसमें टेस्टिंग और टेस्टिंग टू में से कौन सा विजिबल होगा बताएंगे? टेस्टिंग वन विजिबल होगा, टेस्टिंग टू अगर मैं परमिशन दूँ यहाँ पे जी कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दें इसका। जी अगर मैं एडिट करूँ और ऐड करवाऊँ एडवांस में जाऊं और फाइंड नाउ पे क्लिक करूं तो टेस्टिंग वन होगा, टेस्टिंग टू किसी का नहीं है ना, यही आंसर है, एक बंदे का आंसर है क्योंकि दोनों की टाइप मैंने क्या रखी है, दोनों की टाइप क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों से एक ही नहीं हो गई। देखिए कहीं नजर आ रहा है, टी प्रेस करने देखिए है कि टेस्टिंग, और ये आपको पढ़ाया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप को परमिशन के लिए यूज नहीं कर सकते। याद है वन और डबल वन और ट्रिपल वन, ये तीन ग्रुप मैंने बनाए थे, डबल वन की टाइप रखी थी डिस्ट्रीब्यूशन और वो लिस्ट में नहीं आया था। ठीक है, पुरानी बातें आप भूलते जा रहे हैं, अगर यही हालात रहे तो फिर एक्सचेंज में पता नहीं क्या बनता है। नहीं, यूनिवर्सल तो एक और चीज़ हो गई, यूनिवर्सल के बगैर तो आपके पास इस केस में चॉइस ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपने ग्रुप को यूज करना है एक्सचेंज में तो उसकी टाइप सिक्योरिटी हरगिज ना, क्योंकि सिक्योरिटी रखने का मतलब ये कि वो एक्सचेंज में यूज हो रहा है, परमिशन में भी यूज हो सकता है। तो सिक्योरिटी हमेशा सिक्योरिटी के लिए ना प्रिसाइजली काम किया जाता है कि अगर आपका आंसर है 99.99 तो 99.999 नहीं होना चाहिए, पॉइंट समझ में आ रहा है, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। तो जब आपने एक ग्रुप लाइक अगर आप सिक्योरिटी रख लेते तो एक्सचेंज में तो वो यूज हो जाना था, लेकिन आपने एक लूप छोड़ दिया कि वो कहीं और भी यूज हो सकता। ठीक है, सही आइडिया ये है कि वो ग्रुप जो सिर्फ आप मेन पर्पस के लिए बना रहे हैं उसकी टाइप क्या रखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके जी, ये टेस्टिंग टू मैं कर देता हूँ, और अगर मैं नया बनाना चाहूँ तो उससे नाम मैं दे सकता था, ये मैंने टेस्टिंग टू इसके एलिमेंट्स दे दिया। अब फिर सवाल ये है
देखिए मैंने आपको दो टर्म्स लास्ट टाइम बताई थी, एक थी मेल इनेबल्ड और दूसरी थी मेल बॉक्स इनेबल्ड। इन दोनों में से कौन सा ग्रुप है, कौन सी टर्म है जिसके लिए स्टोरेज नेसेसरी है? मेल बॉक्स इनेबल्ड है। याद रखिएगा ग्रुप कभी भी मेल बॉक्स इनेबल्ड नहीं। ग्रुप जब आप बनाते हैं किसी भी किस्म का ग्रुप तो यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, देते हैं। कभी आपने देखा ग्रुप बैठा हुआ लॉग ऑन हो रहा है? ग्रुप लॉग ऑन नहीं होता, ग्रुप के मेंबर्स लॉग ऑन। ग्रुप सिर्फ बनाया जाता है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ग्रुप का ईमेल एड्रेस तो होगा लेकिन वो ईमेल डिलीवर किसे होनी है? ग्रुप के मेंबर्स को, और उन मेंबर्स का सबका मेल बॉक्स होगा। तो ग्रुप का मेल बॉक्स नहीं होता, बात समझ में आ रही है? और इसीलिए ग्रुप क्रिएट करते हुए उसने कहीं भी मुझसे नहीं पूछा कि तुम इस ग्रुप की स्टोरेज कहाँ कर रहे हो। देखने मैं एक और ग्रुप बनाता हूँ और मैं न्यू क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग्स करने से। आया कहीं स्टोरेज? वो कहीं स्टोरेज का पूछा उसने कि कौन से डेटाबेस में रखना चाहते हैं, क्योंकि डेटाबेस रिक्वायर ही नहीं। अब ये जो ग्रुप है इसकी प्रॉपर्टीज में जाके मैं क्लिक करता हूँ किस पे, मेंबर्स पे, और यहाँ ऐड करवा देता हूँ लाइक इमरान, काजी तारे और वसीम अफरन। ये तीन ग्रुप मैंने ऐड करवा दिए। अब क्या होगा, तीन यूजर्स ऐड करवा दिए कि जो भी मेरे टेस्टिंग ग्रुप में जाएगी वह तीनों यूजर्स को डिलीवर हो जाएगी। ये अब आपने देखा है इसकी मेंबरशिप जो है वो मैन्युअली करनी पड़ रही है, मैन्युअली करना पड़ रहा है ना। मैंने प्रॉपर्टीज में जाके मेंबर्स ऐड करवाए तो मेंबर्स ऐड हुए, किसी और यूजर को मेंबर बनाने तो दोबारा से यहाँ जाके ऐड करवाना पड़ेगा। तो यही होगा ना जी सर? तो बस यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टैटिक ग्रुप होता है उसकी मेंबरशिप आपको देनी पड़ती है, और जो डायनेमिक होता है, ये देखिए न्यू डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर क्लिक करें, नेम जो भी देना चाहते हैं यहाँ से वही बताते हैं, सोलिंग में रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी सेल्स हो, और मैं इसका नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सेल्स, नीचे भी क्या दे देता हूँ सेल्स, ठीक है। और मैं ऐसे करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है, लिखा हुआ है ऑल रेसिपिएंट, नेक्स्ट किया मैंने, और रेसिपिएंट इन अ डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट मैंने दे दिया सेल्स, ऐड करवा दिया, ओके। समझ में आ रही बात? अब आप देखें क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसके मेंबर कौन बन जाएंगे, जिनका डिपार्टमेंट सेल्स प्रॉपर्टीज में जाए। और यहाँ पे प्रीव्यू की ऑप्शन होगी, यस यही पे कंडीशंस में क्या रखा है, प्रीव्यू में आ जाएगा कि कौन कौन इसका मेंबर है। देखें इस पर कोई भी इसका मेंबर नहीं, क्यों नहीं? और किसी को आपने यहाँ पे देखो मेंबर्स की इंफॉर्मेशन आ रही, मेंबर्स नहीं आ रही क्योंकि मैनुअल मेंबरशिप होती नहीं। मैं यहाँ से जाके क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अब्दुल कादिर इमरान, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में जाके और इनका डिपार्टमेंट क्या दे देता हूँ। अब आप क्या करें, देखते हैं सेल्स की मेंबरशिप दे, प्रॉपर्टीज में गए और कंडीशन में जाके प्रीव्यू लें। एक बात याद रखिएगा, एक और गलती जो कॉमनली आप करते हैं फिर परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, मैंने तेज की है नहीं तो ये यहाँ गए, ये यूजर भी ए आ रहा है, इसकी मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, चला जाऊँ प्रॉपर्टीज में, क्लिक किया मैंने किस पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, और मैंने यहाँ डिपार्टमेंट जाके क्या दे दिया सेल्स। अब इसका जवाब देंगे कौन, शहजाद कादर। देखिए मैं सेल्स की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो प्रीव्यू के लिए नजर नहीं आता, वजह बताएं जी, कोई और अगर बताओ। यस सेल्स कर देना जी, ओयू सेल्स कर रहा हूँ, ये मैंने मूव करवाया यहाँ से, और ओयू अब हो गया सेल्स। स्टिल problem is still exists. आगे फिर एक और, फिर मैं आपको दूसरी कंडीशन बताता हूँ, परेशान ना हो। फिर दूसरी कंडीशन ऑलरेडी पूरी हुई होगी, दूसरी कंडीशन ऑलरेडी पूरी हुई होगी। मैं चले एक और यूजर बनाता हूँ, बल्कि मैं आपको दूसरी कंडीशन यही दिखा देता हूँ ना, ये थी कंडीशन मेल बॉक्स बना हुआ है। एक और जरा यूजर बनाए यहाँ पे सेल्स के अंदर, ये मैंने सेल्स में बनाया न्यू यूजर, बल्कि सेल्स के अंदर ये आ रहा है ना वसीम अकरम, ये ताहिर।